डेथ नोट वाली वीडियो जब मैंने बनाई थी तब मैंने एक बहुत बड़ा स्पॉइलर दे दिया था। यू मे नो वॉट वॉज इट। टू बी ऑनेस्ट तब मुझे नहीं पता था कि ये स्पॉइलर होता क्या है। देन मैं गया गूगल बाबा के पास और उनसे पूछा कि बाबा जी ये स्पॉइलर क्या बोला है, और तब पता चला कि स्पॉइलर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट प्लॉट डेवलपमेंट इन अ टेलीविजन शो, फिल्म और बुक विच इफ प्रीवियसली नॉन मे रिड्यूस सरप्राइज एंड सस्पेंस फॉर अ फर्स्ट टाइम व्यूअर और रीडर। देन आई वॉज लाइक ओ नो ये क्या कर दिया राजा। इतना ही नहीं, नारुतो वाले वीडियो में भी मैंने नारुतो के बर्थ के बारे में बताया था जो कि कई लोगों को एक स्पॉइलर सामान लगा, बट अब से ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ, गलती से गलती हो जाए तो फिर बात अलग है। एंड यस, दिस वीडियो इज अबाउट अगेन अ मास्टरपीस एनिमे सीरीज अटैक ऑन टाइटन। प्लस गेस व्हाट, इट्स स्पॉइलर फ्री। यदि आपने इस एनिमे सीरीज को पहले से देख रखा है तब तो आपको इस वीडियो में बहुत मजा आएगा, और नहीं देख रखा तब तो आपको 10 गुना ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस एनिमे सीरीज को भी तो देखने वाले हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वॉच इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड टू नो समथिंग एक्साइटिंग। मांगा टर्न्ड एनिमे सीरीज अटैक ऑन टाइटन एक ऐसी सिविलाइजेशन की कहानी है जो तीन दीवारों से घिरे हुए हैं, और यही एकमात्र वो अंतिम स्थान है जहां मनुष्य अभी भी रहते हैं। लगभग 100 साल पहले ह्यूमंस की तरह ही दिखने वाले पर बहुत बड़े बड़े जायंट्स पहली बार दिखे, जिन्हें टाइटन्स के नाम से जाना जाता है। और इन टाइटन्स की वजह से पूरी मानवता विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी, क्योंकि ये टाइटन्स मनुष्यों पर अटैक करते हैं और उन्हें देखते ही खच कच्चा खा जाते हैं। फॉर्चुनेटली मानवता के अंतिम अवशेष तीन कॉन्सेंट्रिक दीवारों के पीछे छुपकर अपना जीवन जीने लगे, और 100 सालों तक उन्होंने शांति का आनंद लिया। और इन 100 सालों की शांति के बाद जिन लोगों ने टाइटन्स की सिर्फ कहानियां सुनी थी और जिनको ये लगता था कि टाइटन वाइटन कुछ नहीं होता, उनका भ्रम टूट गया, क्योंकि 100 साल बाद टाइटन्स ने तीन दीवारों में से पहला दीवार तोड़कर अंतिम बचे मानवता को ढूंढ लिया और उन सब पर अटैक करके उन्हें खाने लगे। इन टाइटन्स का मुकाबला करने के लिए देश की सेना एक ऐसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती है जिसे सेना के लोग अपनी कमर पर बांधकर तीन दिशाओं में कहीं भी आ जा सकते हैं, और साथ में टाइटन्स पर अटैक करने के लिए वो एक तलवार भी रखते हैं। वेल, इस सीरीज की पूरी कहानी एरन येगर नाम के एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है, जो टाइटन से मानवता की रक्षा करने वाली तीन गोलाकार दीवारों के सबसे बाहरी हिस्से में स्थित शीगान शीना शहर में रहता है। फर्स्ट एपिसोड में ही टाइटन्स दीवार तोड़कर एरन येगर के शहर में आ जाते हैं और लोगों को उठा उठाकर खाना शुरू कर देते हैं। तभी एक टाइटन एरन की मॉम को भी उठाकर खा जाता है, और ये सब कुछ एरन के आंखों के सामने होता है। इस दुखद हादसे के बाद एरन सुरक्षित बच जाता है और सभी टाइटन से बदला लेने की कसम खाता है, जिसके लिए वो अपने बचपन के दोस्तों मिकासा और आर्मिन के साथ सेना में भर्ती हो जाता है। मैंने जो कुछ बताया है वो तो कुछ भी नहीं, इसके हर एक एपिसोड में एक एक करके इस दुनिया की मिस्ट्री के सभी लेयर्स खुलते जाते हैं। एंड आई बेट यदि आपने इसका सिर्फ पहला एपिसोड ही देख लिया ना, तो उसके बाद पहला सीजन पूरा खत्म किए बिना आपका एओटी को छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे जैसे आप इस सीरीज में आगे बढ़ोगे आप हर एक कैरेक्टर के साथ इमोशनली अटैच हो ही जाओगे, और कैप्टन लीवाय भाई साहब इनके साथ आप बहुत तगड़े तरीके से जुड़ने वाले हो। ओवरऑल इस सीरीज में शॉकिंग मोमेंट्स, लाइफ वैल्यूज, इमोशंस, मिस्ट्रीज एंड ट्विस्ट कूट कूट कर भरे हुए हैं। सो दिस सीरीज इज मस्ट वॉच एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। साल 2013 में हाजिमे इसायामा ने ये रिवील किया था कि जब वह सिर्फ 19 साल के थे तब उन्होंने अटैक ऑन टाइटन का 65 पेज का एक वन शॉट मांगा बनाया था, एंड इसी वन शॉट मांगा को उन्होंने अटैक ऑन टाइटन के मांगा सीरीज को बनाने के लिए एक प्रोटोटाइप के रूप में यूज किया। फॉर होम हु डोंट नो, प्रोटोटाइप मीन्स द फर्स्ट मॉडल और डिजाइन ऑफ समथिंग फ्रॉम विच अदर फॉर्म्स आर डेवलप्ड। इसायामा का जन्म जापान में साल 1986 में हुआ। अपने हाई स्कूल से ही उन्होंने मांगा कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना शुरू कर दिया था, और हाई स्कूल के बाद उन्होंने मांगा डिजाइन प्रोग्राम में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, जिसके बाद साल 2006 में यानी जब वह 19 साल के थे तब उन्होंने अटैक ऑन टाइटन के वन शॉट मांगा को MGP यानी मैगजीन ग्रैंड प्रिक्स के प्रोग्राम में अवार्ड के लिए अप्लाई किया, जिसमें उन्हें अटैक ऑन टाइटन के लिए फाइन वर्क अवार्ड मिल भी गया। 2009 में इसायामा जापान के
एक बड़ी मैगजीन पब्लिशिंग कंपनी शुएशा के पास गए ताकि वो अपने मांगा को उनकी वीकली मैगजीन में छाप सके। देखो शुएशा कंपनी की सबसे पॉपुलर दो मैगजीन्स हैं, पहला वीकली शोनेन जंप जिसमें 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कंटेंट होता है, दूसरा वीकली यंग जंप जिसमें 18 प्लस कंटेंट होता है। तो इसायामा अटैक ऑन टाइटन को वीकली शोनेन जंप में पब्लिश कराना चाहते थे, बट शुएशा वालों ने ये कहा कि इस मांगा का आर्ट स्टाइल और स्टोरी शोनेन रीडर्स के लिए सुइटेबल नहीं है, इसीलिए आप इसमें बदलाव करके लाओ तब हम इसे पब्लिश कर देंगे। लेकिन इसायामा तो ठहरे पक्के वाले जिद्दी, उन्हें इसी आर्ट स्टाइल के साथ सेम स्टोरी को शोनेन रीडर्स के लिए पब्लिश करना था, इसीलिए वो चले गए शुएशा से भी बड़े मांगा पब्लिशिंग कंपनी के पास जिसका नाम कोडांशा है। एंड यस, कोडांशा कंपनी अटैक ऑन टाइटन को पब्लिश करने के लिए अग्री हो गई, जिसके बाद 9 सितंबर 2009 को अटैक ऑन टाइटन का पहला चैप्टर कोडांशा की वीकली शोनेन मैगजीन में प्रकाशित किया गया। अटैक ऑन टाइटन ने अगले 2 से 2.5 सालों में ही हर एक जापानीज मांगा रीडर के फेवरेट मांगास की लिस्ट में अपनी जगह बना ली। कोडांशा कंपनी हर साल जनरल, शोजो एंड शोनेन कैटेगरीज के सभी मांगास में से उस साल के बेस्ट मांगा को कोडांशा मांगा अवार्ड देती है। एंड 2011 में ये अवार्ड जनरल कैटेगरी में मार्च कम्स इन लाइक अ लायन एंड स्पेस ब्रदर्स दोनों मांगास को एक साथ मिला, शोजो कैटेगरी में चिहाइया फुरु को मिला एंड शोनेन कैटेगरी में मिला अटैक ऑन टाइटन को। यदि आपको शोजो और शोनेन के बारे में और अधिक जानना है तो आप मेरा द हिस्ट्री फ्रॉम मांगा टू एनिमे का ये वाला 3 वीडियो का एक स्पेशल सीरीज देख सकते हो। वेल, जापान में तो अटैक ऑन टाइटन की मांगा सीरीज पॉपुलर हो चुकी थी, बट अब बारी थी अमेरिका में पॉपुलैरिटी हासिल करने की, इसीलिए 2012 में अटैक ऑन टाइटन के इंग्लिश वर्जन वाले मांगा सीरीज को अमेरिका में रिलीज कर दिया गया, जिसके बाद ऑब्वियसली बहुत खतरनाक तरीके से अटैक ऑन टाइटन ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया। एंड फाइनली अब बारी थी अटैक ऑन टाइटन की पूरे दुनिया में पॉपुलैरिटी पाने की, जो कि हुआ साल 2013 में जब अटैक ऑन टाइटन के एनिमे सीरीज को वर्ल्ड लेवल पर रिलीज किया गया। इसके एनिमे सीरीज में टोटल 4 सीजन इंक्लूडेड है, 2013 में पहला सीजन, 2017 में दूसरा, 2018 में तीसरा एंड 2020 में इसका 4th सीजन रिलीज किया गया। हाँ, इसका 4th सीजन 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें फर्स्ट पार्ट के पहले 16 एपिसोड्स को रिलीज कर दिया गया है, बस अब इसका सेकंड पार्ट रिलीज होना बाकी है जो कि अभी डेवलपमेंट में है और 2022 की सर्दियों में रिलीज किया जा सकता है। वेल, अटैक ऑन टाइटन की मांगा सीरीज का 139th यानी द फाइनल चैप्टर अभी 2 महीने पहले ही 9 अप्रैल 2021 को पब्लिश किया गया, मतलब यदि आप 4th सीजन के सेकंड पार्ट का इंतजार नहीं कर सकते तो आप इसका एंडिंग जानने के लिए मांगा जरूर पढ़ सकते हो। नाउ प्रॉब्लम आएगी, इसके एनिमे सीरीज को कहां से देखे भाई? तो टेंशन नॉट, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर क्लिक करके मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहीं आपको इसके एनिमे सीरीज को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने का जुगाड़ मिल जाएगा। आज अटैक ऑन टाइटन इतना पॉपुलर हो चुका है कि इसके खूब सारे स्पिन ऑफ मांगा सीरीज भी बन चुकी हैं, जो कि अलग अलग मांगा आर्टिस्ट ने बनाई है। एंड अटैक ऑन टाइटन की ओरिजिनल सीरीज पर बेस्ड 2 एनिमेटेड मूवीज भी बन चुकी है, प्लस इसकी 3 लाइव एक्शन फिल्म्स भी बनाई गई है, जिन्हें आई डोंट रिकमेंड यू टू वॉच बिकॉज ईस्ट और वेस्ट एनिमे सीरीज इज द बेस्ट। 2009 से 2021 तक अपनी जिंदगी के लगभग 12 साल हाजिमे इसायामा ने अटैक ऑन टाइटन को समर्पित कर दिया और आज इसायामा 34 साल के हो चुके हैं। एक चीज जो मैं जानकर काफी प्रभावित हुआ वो ये कि इन्होंने अपने टीनेज के दिनों में ही एक ऐसी स्टोरी क्रिएट कर ली थी जो आगे चलकर एक मास्टरपीस बन गई। इसीलिए यदि आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप भी उस पर काम करो, बुक लिखने में इंटरेस्ट है तो बुक लिखो, खुद से कोई गाना लिखा है तो उसे गाओ और रिलीज करो, आपके पास कोई भी कैसा भी आइडिया हो उसे दुनिया के सामने लेकर आओ इरेस्पेक्टिव ऑफ योर एज, बिकॉज एज डजंट मैटर ब्रो। यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी animation_vibes पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, प्लस इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखना इफ यू आर न्यू टू माई चैनल।